मर्डरों अदाकारा नाजीज जहांगीर ने मुबैना तौर पर क्रिकेटर बाबर आजम के फॉलोअर्स की जानिब से शदीद ट्रोलिंग के बाद अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर लिया। नाजीज जहांगीर ने 22 अप्रैल की सुपहर को इंस्टाग्राम पर आखिरी स्टोरी शेयर करने के बाद अकाउंट को प्राइवेट किया। अदाकारा ने इंस्टाग्राम को प्राइवेट करने से कबल अपनी स्टोरी में बाबर आजम के फॉलोअर्स की जानिब से ट्रोलिंग करने की बात की थी। नाजीज जहांगीर ने अपनी स्टोरी में लिखा था कि बाबर आजम के फॉलोअर्स इनकी बात से खफा होकर उन्हें शदीद ट्रोलिंग का निशाना बना रहे हैं। अदाकारा के मुताबिक बाबर आजम इन समेत सब के भाई हैं और इनके लिए तमाम क्रिकेटर्स भाइयों जैसे ही हैं। अदाकारा ने लिखा था कि इनके क्रिकेटर्स कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्रिकेटर्स के फॉलोअर्स इनके पीछे पड़ गए, उन्हें ट्रोलिंग का निशाना बना दिया। मस्कूरा स्टोरी के बाद नाजीज जहांगीर ने अपने अकाउंट को प्राइवेट बनाया और इनकी जानिब से अकाउंट को प्राइवेट बनाने पर इनके फॉलोअर्स परेशान भी दिखाई दिए। इससे कबल नाजीज जहांगीर ने इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स को सवालों के जवाब दिए थे, जिस दौरान एक फॉलोअर ने इनसे पूछा था कि अगर बाबर आजम उन्हें शादी की पेशकश करें तो इनका क्या जवाब होगा। फॉलोअर्स के सवाल पर नाजीज जहांगीर ने मुख्तसर जवाब दिया था कि बाबर आजम को माजरत ही करेंगी। नाजीज जहांगीर की जानिब से बाबर आजम को पेशकश के बाद माजरत की बात करने पर मुबैना तौर पर क्रिकेटर के फॉलोअर्स नाराज हुए और अदाकारा को इंस्टाग्राम पर ट्रोलिंग का निशाना बनाया, जिस पर अदाकारा ने इंस्टाग्राम को प्राइवेट कर लिया।